हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स पे कुछ जीके क्यूज करने वाले हैं, जो कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, इफकेट एंड मैनी मोर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक हमने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच टू बॉलीवुड एक्टर्स हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन से ऐसे दो बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इन्वाइट किया गया है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दिया मिर्जा, परिणीति चोपड़ा, ऑप्शन सी अनिल कपूर तब्बू, ऑप्शन डी आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन। बॉलीवुड एक्टर्स ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट आर एमोंग द 8819 पीपल इन्वाइटेड टू ज्वाइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। इफ दे एक्सेप्ट द इन्विटेशन दे विल हैव वोटिंग राइट्स फॉर दिस ईयर ऑस्कर्स अवार्ड। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को जो है मोशन पिक्चर्स एंड साइंस के द्वारा इन्वाइट किया गया है। वो टोटल जो संख्या इन्वाइट करने वालों की संख्या जो थी वो 819 थी। ये लोग जो है ऑस्कर के लिए, ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है उसके लिए जो है ये वोटिंग करने का अधिकार इनके पास होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेटिस्ट कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी हैज क्विट विच पॉलिटिकल फ्रंट। देखिए, आप ये कह रहा है कि अलगावादी कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को रिज़ाइन दिया है। तो आपके ऑप्शन हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सैयद अली शाह गिलानी हैज़ क्विट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द बिगेस्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल फ्रंट इन द कश्मीर। द 90-year-old हैड बीन द फेस ऑफ कश्मीरी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स फॉर ओवर 3 decades। गिलानी हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द राइज इन मिलिटेंसी एंड ब्लडशेड इन कश्मीर। देखिए, यहाँ पे जो सैयद अली शाह गिलानी जो है वो एक अलगावादी नेता है जिसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन दिया है। अभी उसकी जो एज है वो 90 ईयर्स है और इसने ही जो है कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, ईरान ने किस वैश्विक नेता के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी जी जिनपिंग, ऑप्शन डी किंग सलमान। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि ईरान ने जो है अरेस्ट वारंट जारी किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी, जिनको जो है मिसाइल के थ्रू मार गिराया गया था, तो उसके लिए जो है ईरान ने रेड नोटिस इंटरपोल को जारी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे जब जनरल सुलेमानी की हत्या की गई थी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हेल्ड रेफरेंडम टू गेट पब्लिक ओपिनियन ऑन इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसने पब्लिक से ओपिनियन मांगा है ताकि वो अपने संविधान में बदलाव कर सके। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी रसिया। रशियंस ऑन July 1, 2020 अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस प्रपोज बाय द व्लादिमीर पुतिन लेड रशियन गवर्नमेंट विच विल अलाउ पुतिन टू पॉसिबली रिमेन इन पावर फॉर अनदर 16 ईयर्स टिल 2036। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि रशिया के लोगों ने 1 जुलाई 2020 को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज
जो कि व्लादिमीर पुतिन सरकार द्वारा रखा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट का टेन्यूर होता है उसमें इंक्रीजिंग के लिए था। तो रसिया के लोगों ने वहाँ पे अपना रेफरेंडम दिया, अपना पक्ष में उनके वोट दिया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, यानी जो व्लादिमीर पुतिन अभी रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो अगले 16 सालों तक यानी 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग साउथ एशियन नेशंस हैज़ प्लेस्ड इट्स बीट फॉर द 2027 एशियन कप। देखिए आप ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा साउथ एशियन नेशन है जिसने 2027 एशिया कप के लिए अपनी मेज़बानी का दावा किया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चाइना। तो चलिए हम लोग अपने आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया हैज़ प्लेस्ड इट्स बिड फॉर द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2027 एशियन कप। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया ने जो है 2027 एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी का पक्ष दिया है। इंडिया विल बी कम्पीटिंग विथ फोर अदर नेशन फॉर द होस्टिंग राइट्स अनाउंस द एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC। द फोर अदर बीडर्स ऑफ एशियाज प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट इंक्लूड ईरान, उज्बेकिस्तान, कतार एंड सऊदी अरबिया। देखिए आप ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2027 में एशिया कप फुटबॉल जो होगा उसके लिए मेज़बानी ठोका है, ठीक। उसके अलावा जो इसमें बीड में शामिल होंगे वो होंगे ईरान, उज्बेकिस्तान, कतार एंड सऊदी अरबिया। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग नॉमिनेशंस फॉर पद्मा अवार्ड्स 2021। देखिए आप ये कह रहा है कि कब लास्ट डेट है पद्मा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करने के लिए, पद्मा अवार्ड्स 2021 में नॉमिनेट करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं 30th अक्टूबर, ऑप्शन बी 15th अगस्त, ऑप्शन सी 15th सितंबर, ऑप्शन डी 30th सितंबर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी 15th सितंबर। द नॉमिनेशन फॉर पद्म अवार्ड्स 2021 विल बी ओपन टिल 15th सितंबर 2020 एज फॉर द लेटेस्ट होम मिनिस्ट्री अनाउंसमेंट। द मिनिस्ट्री इज स्टेटेड दैट ऑनलाइन नॉमिनेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर द पद्म अवार्ड्स हैड बिगन फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स, दे विल बी अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर। देखिए आप ये कह रहा है कि नॉमिनेशन जो है पद्म अवार्ड्स 2021 के लिए 15 सितंबर तक किया जा सकता है, ऐसा होम मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट था। और ये हर साल जो है 26 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।